उसके रंग में से आपको मेरे काम आता है, उसके रूप की सारी चीजें आपको काम में अब अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी, वैसे तो अभी आपके अभी भी नहीं चालू हुआ है कोर्स, लेकिन अभी जनरल बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें बीच में कभी भी काम आ सकती है। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर्स। A number is selected at random from first 500 positive integers. Find the probability that number is divisible by number is divisible by 4 or 6. Number is divisible by 4 or 6. Number is divisible by 4 or 6. तो मैंने क्या बोला, नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 और 6, या तो 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर या तो 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, लेट इवेंट ए, ए मान लेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 4, नंबर इज डिविजिबल बाय 4, बी इवेंट मान लेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 6, नंबर इज डिविजिबल बाय 6। हमने इवेंट ए मान लिया नंबर इज डिविजिबल बाय 4, बी इवेंट मान लिया नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो पी ए 500 को 4 से डिवाइड करना कितने टाइम जा रहा, 125। ये आपका पीए आ गया। पीबी 500 को 6 से डिवाइड करो, लगभग पॉइंट में मत बताना, बस 500 डिवाइड बाय 6, 63 18, कितने नंबर आ गए, 83।
ये समझ में आया सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन बोलो, ऑनलाइन बोलो। सर एक बार आप बताना बेटा, 500 को 4 से डिवाइड करो तो ये 125 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब 125 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल। 500 को 6 से डिवाइड किया 83.33, तो हमें ये पॉइंट इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब 83 नंबर ऐसे हैं जो कि किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है। आया समझ में? बोलिए। यस सर, यस सर। तो ये आ गया 83/500। अब बेटा 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 4 और 6 का एलसीएम 12। तो मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है वो है 12। तो 8 500 को 12 से डिवाइड करो। 500 डिवाइड बाय 12, 12 फोर 48 और 12 1 12 कितना आ गया? 41/500। समझ में आया? ऑनलाइन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसा नंबर जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो 41/500, तो हमें निकालना है नंबर डिविजिबल क्या बेटा? सर 12 कहाँ से लिया ये? बेटा एक बार बता, 4 इधर देखना, तेना बोला 4 से डिविजिबल, 4 8 12 16 इस तरह से आएगा, फिर 6 से डिविजिबल। इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 12 आएगा, फिर आएगा अगला क्या आएगा? मतलब 12 के मल्टीपल आएंगे कि नहीं आएंगे दोनों में कॉमन? 18 24। यस सर। तो इसलिए 12 के मल्टीपल दोनों में कॉमन आएंगे, मतलब वो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसलिए 12 से डिवाइड किया। ओके सर। अरे तो उसका निकालने का ऐसा नहीं है आपको ये निकालने पड़ेगा, आपको 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो। आपको भाई 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो, 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12। इसका मतलब 12 के जितने भी मल्टीपल है वो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, इसलिए मैंने 12 से डिवाइड करके निकाला कितने नंबर 12 से डिविजिबल है। ठीक है, सो पी नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 125/500, 83/500 माइनस 41/500 कितना आ रहा है? 167/500। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ अभी, ये चीज आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। लिख लीजिए इसको। ये पहला क्वेश्चन था आज का। बस अभी दो प्रॉब्लम और करवाएंगे और उसके बाद फिर हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा 12। लिख लिया सबने? ऑनलाइन ऑनलाइन लिख लिया क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं जिन्होंने नहीं लिखा है मैं उनके लिए छोड़ रहा हूं अभी, मैं जब तक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखवा देता हूं। अ बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स, अ बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस।
20 apples and 10 oranges. Out of which 5 apples and 3 oranges are defective. If a person takes out two at random, what is the probability that either both are apples or both are good? Either both are apples or both are good. भाई टोटल कितने आइटम्स हैं? 30 में से कितने आइटम्स निकालने? दो. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 30C2. बेटा क्या कर रहा है? जब एक से ज्यादा चीजें निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन लगता है बेटा. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस थर्टी सी टू. भाई 30 में से आप दो आइटम निकाल रहे हो इसलिए 30C2. अब बेटा C2 यदि किसी को नहीं पता है तो फिर वापस से बता देता हूँ. C2 ऐसे निकालते हैं, 30C2 का मतलब है 30 × 29, दो बार रिड्यूस करेंगे अपॉन 2 × 1, जो भी आएगा. ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि 30C2 ऐसे निकालेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ये हो गए. ना लेट इवेंट ए बोथ आर एप्पल्स, क्योंकि आपसे बोल रहा है बोथ आर एप्पल्स. इवेंट बी बोथ आर गुड. पी ए कितने एप्पल्स है भाई? 20 में से दो अपॉन 30 में से दो. ये आपका पी ए की वैल्यू होगी 20C2 अपॉन 30C2. तो ये तो आपका 15 × 29, ये कितना आ रहा? 4. दोबारा निकाल 29 × 15 निकालो 4 435. बिल्कुल सही. और 20C2 की वैल्यू निकालो 190. तो PA आ गया आपका 190 अपॉन 435. कैंसिल मत करना मुझे ज्यादा. आप बोलो सर 5 से कैंसिल हो रहा है तो बाद में दिक्कत हो जाएगी. फिर ये PA आ गया आपका. PB बोथ आर गुड. तो बेटा अच्छे कितने? ट्वेंटी टू. अच्छे कितने हैं भाई? 15 तो अच्छे ही है एप्पल और 7 तो ऑरेंजेस अच्छी है. तो 22C2 अपॉन 30C2 निकालो. 22C2 कितना? 231.
अब बेटा इन दोनों को मिला के बोलो, एप्पल्स गुड मतलब गुड एप्पल्स, एंड का मतलब, एंड मतलब एप्पल्स भी होने चाहिए और अच्छे भी होने चाहिए, मतलब एप्पल्स अच्छे होने चाहिए, तो कितने एप्पल अच्छे, 15, तो यहां पर आपका पी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये समझो इंपॉर्टेंट चीज ये है, 15C2/30C2। बेटा ए एंड बी, एंड का मतलब होता है एप्पल, अच्छे एप्पल्स, तो अच्छे एप्पल्स कितने, 15, तो 15 में से दो निकालेंगे, टोटल 30 में से दो निकालेंगे, तो 15C2 की वैल्यू निकाल के बताना भाई, 100 लिख लो यहां पर, सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये 15C2 कैसे आया? बेटा ए एंड बी का क्या मतलब है, इन दोनों को मिला के बोलेगा तू, बोल मिला के बोल, पहले इसको बोल, बोथ आर गुड एप्पल्स, बोथ आर गुड एप्पल्स, तो गुड एप्पल कितने इधर है, गुड एप्पल है 15, तो 15 में से कितने एप्पल, कितने निकालेगा हम, कितने आइटम निकाल रहे, दो, तो 15C2/2 दो निकाल रहे सर, आ गया। ओके सर, अभी आपका 12th का कोर्स चालू नहीं हुआ है, 12th का कोर्स बस एक प्रॉब्लम के बाद चालू होगा, ये सिर्फ अभी आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। नाउ पी, अब मुझे निकालना है बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड, बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड, ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू 190/435, 231/435, चलिए करना भाई, ऊपर एट कितना आ रहा, 31, so this is the final answer, ये इसकी probability आ गई 316/435। चलिए अब एक जनरल का लास्ट प्रॉब्लम, अब इसके बाद फिर हम चालू करेंगे 12th का, बस एक लास्ट प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, फिर हम 12th का कोर्स स्टार्ट करेंगे। आ जाए अगले पेज, अगले क्वेश्चन पे हटा दे, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट person will get an electric contract, person will get an electric contract is 2/5, is 2/5, and the probability that he will not get
एंड प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट ही विल गो नॉट गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट is 4/7 is 4/7. If the probability get, if the probability of getting at least one contract, if the probability of getting at least one contract is at least one contract is 2/5. What is the probability that he will get both? He will get both. तो हमें probability निकालनी है कि उसको दोनों contract मिलेंगे. अब ये बड़ा easy problem है, इसमें कुछ भी नहीं है. चलिए पहले event मान लेते हैं. देखो let event A. Let A equal to person will get an electric contract. B person will get an plumbing contract. PA गिवन है आपको 2/5 गिवन है. एक सेकेंड, तो फिर ये 2/3 है बेटा, यहाँ 2/5 है, इसको 2/3 कर लो. तो PA गिवन है आपको 2/5. अब देखो ध्यान से, PB बार गिवन है आपको, तो 1 - PB होता है PB बार. तो PB आ गया 1 - 4/7, कितना आ गया? अच्छा P at least मतलब यूनियन, ये गिवन है आपको 2/3. at least का मतलब होता है यूनियन, तो P A यूनियन B गिवन है आपको 2/3. now P A यूनियन B होता है बेटा PA plus PB माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए यूनियन बी है 2/3, पी ए 2/5, पी बी आपका 3/7 और पी ए इंटरसेक्शन बी. तो यहां से हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना. टू बाय फाइव वन जीरो फाइव तो आंसर इज 17/105. सो द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ मतलब इंटरसेक्शन. So the probability of getting both contract is
17 अपॉन 105। क्लियर? तो लिख लीजिए। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया, अब हम टॉपिक चालू कर रहे हैं, अब हमारा 12th क्लास का कोर्स चालू कर रहे हैं। चलिए अब अगले पेज से लिखना, बिल्कुल छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से चालू करना। लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहां से आया एक चीज समझते हैं, तुमने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखना। पहले लिखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसी से आया है वो, पहले इसको बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये डालो पहले, उसको हटा दो। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, या इसको हम कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड थ्योरम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब दोनों मल्टीप्लाई एंड पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जैसे पहले ए इवेंट हो रहा है पी ए, एंड अब किसका नंबर आया बी का, लेकिन पहले कौन हो चुका है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पी बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका, तो पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी बाई ए। भाई पहले कौन सा इवेंट हो रहा है ए, फिर इसका नंबर आया बी का, और बी का नंबर कब आया जबकि ए कंप्लीट हो चुका है, या पहले सपोज बी हो रहा है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो चुका, इसे बोलते हैं बेटा कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे अब इस पे प्रॉब्लम कैसे बनेगी, सिंपल सी प्रॉब्लम बनेगी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं अ बैग कंटेन्स फाइव रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रोन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड and second ball is black. First ball is red and second ball is black. इसका मतलब ये भाई एक बैग के अंदर पांच रेड बॉल है और चार ब्लैक बॉल है, हमें एक एक करके दो बॉल निकालनी विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं डालना। पहली बॉल रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल ब्लैक होनी चाहिए। भाई लेट इवेंट ए बॉल इज रेड, इवेंट बी बॉल इज ब्लैक, तो मुझे निकालना है रेड एंड ब्लैक बॉल, तो यह आएगा पी ए, पहले रेड आनी है और फिर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जबकि रेड आ चुकी है, तो पी बी बाई
अब देखो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 5/9 भाई, रेड कितनी बॉल है 5 और टोटल बॉल कितनी है 9, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। नाउ पी बी बाई ए, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 8, क्योंकि 1 कम हो चुकी है क्योंकि रेड बॉल निकल चुकी है ना, इसलिए पी बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी 4/8, क्योंकि एक रेड बॉल निकल चुकी है तो टोटल बची 8, तो 4 बॉल 8 में। सो देयरफॉर पी फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, दिस इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 4/8, कितना आ गया 5/18, ये इसका आंसर 5/18। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर एग्जांपल है, ये इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लिख लीजिए इसको। सर सर 4/8 वाला एक बार दोबारा बता दो। 4/8, 4/8 मतलब सेकंड बॉल कौन सी निकाल रहा है बेटा तू? ब्लैक, जबकि क्या निकल चुकी है? रेड निकल चुकी है। तो टोटल पहले कितनी बॉल थी? पहले थी 9, 9 में से एक बॉल निकल चुकी, तो कितनी बची? 8, तो 4 बॉल ब्लैक है 4, तो 4/8 आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। ठीक है चलो लिख लीजिए। अब लिखो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रॉब्लम, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए under the condition the event B has already occurred is known as conditional probability. And is denoted by P A by B. So P A by B, this is equal to P A intersection B upon P B, given P B is not equal to G. Likho usko. P B is not equal to G. A and B are two events. The probability of event A under the condition the event B has already occurred
इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ए बाई बी क्या होगा, अब कैसे याद रखोगे, पी ए बाई बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसी तरह यदि मेरे को पी बी बाई ए लिखना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इसका मतलब पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा है, ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर आया कहां से ये फॉर्मूला जो अभी लिखा था पहले, क्या लिखा था देखो इधर, पी ए इंटरसेक्शन बी, पहले लिखा था पी ए इंटू पी बी बाई ए, या क्या बोला था पी बी इंटू अब ये दोनों फॉर्मूले यहां से आए हैं देखो, सब मुझे पी ए बाई बी निकालना है तो ये इसके नीचे चला गया, याद पी बी बाई ए निकालना है तो ये इसके नीचे चला गया, तो याद तो आया किससे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से आया, आया हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से आया। ठीक है, अब इस पे प्रॉब्लम किसी भी तरह की पूछ सकता है वो आपसे, सिंपल प्रॉब्लम पूछे आपसे वो देख लेते हैं। Given that A and B are two events such that PA equal to 0.6, PB equal to 0.3 and PA intersection B equal to 0.2. Find PA by B and PB by A. Find PA by B and PB by A. तो मुझे पी ए बाई बी निकालना है और पी बी बाई ए निकालना है। अब देखो पी ए बाई बी क्या बोला था, पी ए बाई बी अपॉन पी बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू कितना आ गया आंसर, तो ये तो पी ए बाई बी आ गया हमारा 2/3, पी ए बाई बी हमारा 2/3 के इक्वल। इसी तरह पी बी बाई ए भी निकालो, वन बाई देखो पी बी बाई ए PA intersection B upon PA 0.2 upon 0.1 by 2, तो ये है भाई इनकी प्रॉब्लम। क्लियर, तो ये तो अभी बिल्कुल बेसिक है, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अब इस पे प्रॉब्लम कैसे बनती है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस
a die is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 6 and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the probability that number 4 has appeared at least once? Four has appeared at least once. Number 4 has appeared at least once. अब देखो, अब इसमें मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, मतलब जो आपको हमेशा उसी तरह से करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मानना हमेशा।